अपने कृत्यों अपने शब्दों शब्दों तथा कर्मों से किसी बात का किसी बात जो महिला के अधिकारों अधिकारों मर्यादा का नहीं होने दूंगा। मैं समझ लेता हूँ धन्यवाद डॉक्टर जसवंत सिंह जी। सर्वप्रथम सभी को मेरा सादर अभिवादन। आदर्श कृष्ण महाविद्यालय हेलो हाय मनोवैज्ञानिक समस्याएं और उनका निदान। मनोवैज्ञानिक समस्याएं और हम सब जानते हैं कि आज की हमारी जीवन शैली बहुत व्यस्त हो गई है, जिसमें आज महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और इस वजह से विभिन्न मनोवैज्ञानिक समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है और यह समस्याएं पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा है। दरअसल बात यह है कि महिलाएं दोहरी भूमिका निभा रही हैं और दोहरी भूमिका में सामंजस्य ना बैठा पाने के कारण वो अक्सर डिप्रेशन या तनाव का शिकार हो जाती हैं और तनावपूर्ण क्षणों का बेहतर ढंग से सामना नहीं कर पाती। इसके बहुत सारे मनोवैज्ञानिक और जैविक कारण भी हो सकते हैं जिनसे महिलाएं मानसिक रूप से परेशान रहती हैं और वास्तव में सच कहा जाए तो शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक फिटनेस भी इतनी ही जरूरी है, ना केवल महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए, बालकों के लिए बालिकाओं के लिए। लेकिन इस भागा दौड़ वाली जिंदगी में हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के विषय में भूल जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि आखिर परेशानी का कारण क्या है। महिलाएं समझ नहीं पाती क्या कारण है अचानक से उनके स्वभाव में बदलाव आ रहा है और उनके व्यक्तित्व में बदलाव आ रहा है। एक उदाहरण देती हूँ आपको, किसी महिला का काल्पनिक नाम है, जैसे कि मान लीजिए सुमन है। सुमन घर और दफ्तर की जिम्मेदारी निभाते निभाते इतनी चिड़चिड़ी हो गई, इतनी अवसादग्रस्त हो गई कि वो बिना वजह अपने पति से उलझ जाती। यदि घर में कोई छोटा बच्चा उससे कुछ कहता तो उसके ऊपर वो भड़क उठती। उसके इस व्यवहार से उसके पति और बच्चे बहुत परेशान थे। ऐसा नहीं था कि उस महिला को पता नहीं था कि उसके अंदर परिवर्तन हो रहे हैं। इसके लिए उसने मनोचिकित्सक से संपर्क किया और पूरे परिवार के लिए चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि वह महिला मानसिक अवसाद की शिकार है।
ही नहीं बल्कि उसके जैसी लगभग 40% महिलाएं इन दिनों उत्कंठा, तनाव, अवसाद जैसी बीमारियों से जूझ रही हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये समस्या दोगुनी है। लागू किया जा रहा है जैसे कि लिंग समानता है, नारीवाद है, महिलाओं के अधिकार हैं, फिर भी भारत में आज भी पुरुषों और महिलाओं के बीच में एक बड़ी मानसिक खाई है। इसलिए पुरुषों की मानसिक समस्याएं अलग हैं और महिलाओं की मानसिक समस्याएं अलग हैं। बहुत से कारण हैं महिलाओं में विभिन्न मनोवैज्ञानिक समस्याओं के जनक हैं। उन कारणों पर मैं प्रकाश डाल रही हूँ जिस कारण से उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। सबसे पहले बात आती है जन्मजात अंतर की। समाज में लिंग भेद प्रचलित है जो बचपन से ही लड़कियों को परेशान करता है, जिससे उनमें भावनात्मक असुरक्षा, तनाव, भय, चिंता जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि हम इसका निदान देखें तो हमको लड़की को केवल लड़की और लड़के के रूप में नहीं बल्कि एक मानव के रूप में देखना चाहिए और ऐसा करके हम उसके माता पिता को जागरूक कर सकते हैं। आज कानून लड़कियों को समान अधिकार देता है, ये जानकारी भी लड़कियों को दी जा सकती है और इसके अलावा उनको भावनात्मक समर्थन दिया जाए और उनका भी उतना ही महत्व है जितना कि लड़कों का। इस महत्व से उनके माता पिता को आश्वस्त करें। दूसरी समस्या आती है जैसे कि किशोरावस्था है जो कि एक संक्रमण काल की अवस्था है। बहुत तेज़ी से लड़के और लड़कियों में बदलाव होते हैं, लड़कियों में परिवर्तन लड़कों की अपेक्षा तेज़ी से होते हैं और लड़कियों में विभिन्न प्रकार की गलतफहमियाँ, भय, शंका, चिंता उत्पन्न हो जाती हैं और विभिन्न समस्याओं के संबंध में जब वो भली प्रकार से जानकारी नहीं जुटा पाती हैं तो उनके सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो इसका निदान क्या हो सकता है? इसके लिए लड़कियों को बताया जाए, उनको अवेयर किया जाए कि अपनी भावनाओं को कब, कैसे, किस प्रकार व्यक्त करना है, संवेगों पर नियंत्रण करना सिखाया जाए और एक जागरूकता की भावना उनके अंदर डेवलप हो। कुछ समस्याएं शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में भेदभाव किया जाता है और हम ये मान करके चलते हैं कि ये काम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, नहीं कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में लड़कियां भावुक होकर के अपने आत्मविश्वास को गंवा देती हैं और समस्याएं पैदा होती हैं, डिप्रेशन का शिकार होती है। तो इसका निदान यदि हम सोचें तो लड़कियों को स्कूल जाने के लिए, उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और लड़कियों के दिमाग से हमें उस पारंपरिक दृष्टिकोण को हटाना चाहिए कि मैं लड़की हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकती। कुछ समस्याएं शादी से भी जुड़ी हुई हैं जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती हैं और हम आज के समय में देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से अलगाववाद में वृद्धि हो रही है, शादियाँ टूट रही हैं। इसका कारण क्या है? आपस में सामंजस्य और तालमेल ना बैठा पाना, पति पत्नी। तो हमारे समाज में शादी के बाद लड़कियों को
ससुराल भेजने की प्रथा है और मायके के और ससुराल के उसमें क्या कहना चाहिए माहौल में बहुत अंतर होता है, शिष्टाचार है, मानदंड है, परंपराएं हैं, जैसे कई पहलुओं में अंतर होता है। ऐसे समय में जब वो अपने ससुराल वालों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती हैं तो उनको विभिन्न प्रकार के समारोह का स्वागत है। इसके लिए यदि प्री मैरिटल काउंसलिंग की जाए, किसी वजह से प्री मैरिटल काउंसलिंग नहीं हो पाई है तो उसके लिए पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग भी ली जा सकती है। पारिवारिक चिकित्सा है, युगल चिकित्सा है, इसका भी उपयोग करना चाहिए। कुछ समस्याएं गर्भावस्था और प्रसूति से जुड़ी हुई हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को जैसे उल्टी चक्कर आना है ना, जी मचलना है, जैसे शारीरिक लक्षणों के अलावा निराशा है, भय है, चिंता है, मानसिक समस्याएं ग्रसित कर देती है और इस अवस्था में महिलाओं में अवसाद, गंभीर चिंता जैसी समस्याएं निर्मित हो जाती हैं। तो इस अवस्था में महिला को अपने पति के भावनात्मक सहयोग की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इस स्थिति में महिलाओं को बताया जाए कि वो अपने आहार हैं, अपने व्यायाम हैं, इस पर वो विशेष रूप से जोर दें, ध्यान रखें, क्योंकि महिलाएं घर के काम तो करती हैं और वो सबसे ज़्यादा उपेक्षित अपने को ही कर देती हैं। अरे दवा खानी है, बाद में खा लेंगे, नाश्ता करना है, बाद में कर लेंगे, है ना, ये काम खत्म कर। इसके अलावा बांझपन है, प्रसव है, अगर किसी दंपति के बच्चे नहीं हैं तो भी महिला को भी दोषी माना जाता है और केवल महिला की ही जांच की जाती है, क्योंकि पुरुष ये स्वीकार नहीं करते कि उनमें कुछ दोष भी हो सकते हैं। तो इस संबंध में काउंसलिंग ना केवल महिला की होनी चाहिए बल्कि पति और पत्नी दोनों की काउंसलिंग होनी चाहिए। इसके अलावा वो अपने आप को खुशनुमा माहौल में रखें, इसके लिए भी उनको तैयार करना चाहिए, ये काम काउंसलर का। विधवापन, ये भी एक मनोवैज्ञानिक समस्या को जन्म देती है कि एक महिला जब युवावस्था में विधवा हो जाती है उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और डिप्रेशन, समायोजन की समस्याएं, विभिन्न समस्याएं उसको ग्रसित करती हैं। तो ऐसे समय में कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में लिए बिना शांतिपूर्वक लें, महिला में अंतर्दृष्टि विकसित करने का प्रयास करें, यह सुनिश्चित करें कि परिवार द्वारा या अन्य लोगों द्वारा उसे धोखा ना दिया जाए और अपने जीवन को दोबारा सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी क्षमता के अनुरूप उसको सही रास्ता चुनने में सहायता प्रदान की जाए, उसको भावनात्मक समर्थन दिया जाए। इसके अलावा सीजन रिटायरमेंट है, बलात्कार है, यौन उत्पीड़न है, महिलाओं में मादक द्रव्यों का प्रयोग भी बढ़ता जा रहा है, काम का भी होना है, संयुक्त परिवार में ना रहना है, ये भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जो महिलाओं में भय, चिंता, अवसाद, मनोविकलता को जन्म देती हैं। जाए उनको अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया जाए और अपनी सुरक्षा वो स्वयं कैसे करें, इस विषय पर उनको जानकारी दी जाए और विभिन्न कार्यशालाएं और सेमिनार भी इस विषय पर आयोजित की जाए कि आखिर इन मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जिनसे महिलाएं जूझ रही हैं तो वो उनमें कौन कौन सी मनोवैज्ञानिक व्याधियाँ जन्म ले लेती हैं, जैसे कि अवसाद है जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस कर रही थी।
अवसाद, डिप्रेशन। डिप्रेशन आप ये देख रहे हैं आज के समय में डिप्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। हर दूसरे से तीसरे व्यक्ति से पूछ लीजिए मैं डिप्रेशन में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डिप्रेशन, जिसको हम अवसाद कहते हैं हिंदी में, एक मानसिक बीमारी। इसमें लगातार मूड में परिवर्तन होते हैं, हम पूर्व की भांति ध्यानपूर्वक अपने कामों को नहीं कर पाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, उदास महसूस करते हैं, असहज महसूस करते हैं और इसका बहुत कुछ प्रभाव हमारी याददाश्त पर भी पड़ता है। तो इसका निदान इस प्रकार से किया जा सकता है कि सबसे पहले तो नकारात्मक विचारों को स्वयं से दूर रखें, बी पॉजिटिव, सकारात्मक बने, हर परिस्थिति के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को जन्म दें। और कुछ लोग जिनसे आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं उनसे अपनी बातों को आप शेयर अवश्य करें। और जो फैसले आपके लिए आपको लग रहा है कि डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं उसके लिए आप उन लोगों से राय लें जो सालों से आपके साथ। इसके अलावा विभिन्न कारणों से जो दूसरी एक मनोवैज्ञानिक व्याधि महिलाओं में व्याप्त हो रही है वो है आत्महत्या। इसका कारण क्या है? महिलाओं का स्वभाव होता है कि वो अपने छोटे से छोटे काम को भी एक चुनौती के रूप में लेती हैं और छोटी से छोटी चीज को लेकर के क्या हो जाती हैं, समस्याग्रस्त हो जाती है। जीवन में असफलता भी जरूरी है, सफलता की पहली सीढ़ी असफलता है। इसके लिए बालिकाओं को हम पहले से तैयार करें कि वो विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें और असफलता को एक चुनौती, एक अवसर के रूप में ग्रहण करें। इसके अलावा जो मानसिक समस्याएं हैं जिनसे मनोवैज्ञानिक व्याधियां जन्म ले रही हैं वो हैं ईटिंग डिसऑर्डर। महिलाएं अपनी हर परेशानी से पार पाने का एक आसान तरीका खोजती हैं और अपने परेशानियों को कम करने के लिए वो खान पान का सहारा लेती हैं और जल्दी जल्दी कुछ खाने लगती हैं, ईटिंग हैबिट पड़ जाती है, जिससे उनमें क्या होता है, मोटापा बढ़ता है और हाई ब्लड प्रेशर वगैरह विभिन्न समस्याओं से ग्रसित होती हैं। तो ये वस्तुतः ईटिंग डिसऑर्डर है क्या? ईटिंग डिसऑर्डर एक मनोवैज्ञानिक व्याधि है जो कि हम कहीं ना कहीं से असुरक्षित हैं, हम अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसके लिए अपना दिमाग, जैसे कि चित्रकला है, आपका साहित्य है, संगीत है, अपनी रुचि के जो भी विषय हैं उनकी ओर अपना आप दिमाग लगाएं और आप खाली ज़्यादातर आप अकेले होकर के ना करें, क्योंकि क्या कहते हैं, खाली दिमाग चौपा। तो उसको अपनी क्रिएटिविटी में अपने क्षमता का उपयोग करें। इसके अलावा एक अन्य बीमारी महिलाओं में बहुत तेजी से फैलती जा रही है जिसको कि हम मनोवैज्ञानिक भाषा में कहते हैं मनोविकलता। सिज़ोफ्रेनिया क्या है? एक बहुत घातक मानसिक रोग। और जब महिलाएं इस रोग से ग्रसित होती हैं तो वो अकेले रहना चाहती हैं, ना ही परिवार का और ना ही मित्रों का साथ अच्छा लगता है, अलग थलग पड़ी रहती हैं, शक करने की आदत पड़ जाती है, वहम करती हैं और कभी कभी तो ये मनोविदलता इतनी बढ़ जाती है कि उनको ऐसी आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती हैं जो कि औरों को
नहीं सुना गया। 16 से 45 आयु वर्ग के लोगों को ये रोग ज्यादा होता है और भारत में करीब 40 लाख महिलाएं इस रोग से ग्रसित हैं। इसके लक्षण हैं जैसे कि भ्रम हो जाता है कि लोग मुझे क्या कर रहे हैं, सता रहे हैं। विभ्रम होता है, विभिन्न प्रकार की अजीब आवाजें, अकेले रहना पसंद करती हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती हैं, विभिन्न प्रकार के कॉग्निटिव डिसऑर्डर, संज्ञानात्मक मनोव्याधियां हो जाती हैं, जैसे कि ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, याद ना कर पाना, भूल जाना, भविष्य की योजना को ना बना पाना। तो इसके भी बहुत से कारण हो सकते हैं। कुछ वंशानुक्रम संबंधी कारण भी होते हैं और कुछ पारिवारिक रिश्तों की वजह से भी आपस में सदस्यों में तालमेल भली प्रकार से नहीं बैठ पाता है, तो उस स्थिति में भी वो क्या कहना चाहिए कि डिप्रेशन की अवस्था में चली जाती है। और जब ये डिप्रेशन आगे बढ़ता है तो ये सिज़ोफ्रेनिया के रूप में विकसित हो जाता है। तनावपूर्ण अनुभव ड्रग्स से हो, लेकिन चूंकि मनोविकलता क्या है, बहुत एक गंभीर बीमारी, लेकिन ये बीमारी
स्वास्थ्य है, पोषण है इत्यादि के महत्व को समझाएं, उचित जानकारी दें, महिलाओं को हीन भावना से बाहर निकाल करके उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, महिलाओं को निर्णायक भूमिका में लाया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, अन्याय उत्पीड़न से लड़ने के लिए उनको और उनकी प्रतिभा और योग्यता के अनुरूप उनको सफल होने में उनकी मदद की जाए, उनके सामने विभिन्न जो सामाजिक मुद्दों हैं उनके बारे में उनको जागरूक किया जाए, जैसे कि बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, सामाजिक अत्याचार है, घरेलू हिंसा है, बलात्कार है। इसके लिए बालिकाओं को बचपन से ही उनको प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। महिलाओं को इस बात से भी अवगत कराया जाए कि पुरुषों और महिलाओं के सोचने और कार्य करने के तरीके में बहुत अंतर होता है। इस बात को वो समझें, अपने अंदर हीन भावना और पुरुषों और महिलाओं के बीच के बीच का जो शारीरिक अंतर है, जो मानसिक अंतर है, उसके बारे में भी महिलाओं को वैज्ञानिक रूप से जानकारी दी जाए और कुल मिलाकर के एकमात्र उपाय है विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्या और उनके निदान में मनोचिकित्सकों के अनुसार परिवारों में भी देखते हैं कि फिर मनाए नहीं, लड़के भी कि रात तक क्या है रखते रहते हैं और सुबह सो करके देर से उठ, है ना। तो समय पर जागें, समय पर सोएं, स्वास्थ्यवर्धक भोजन का सेवन करें, नित्य समय निकाल करके थोड़ा सा समय योगा को भी दें, प्राणायाम करें और विपरीत परिणामों से